गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर देवदीप सर, और आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। दैट इज़ चैप्टर नेम फन विथ एमएस पेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 9। और बच्चों, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोगों का रिविजन टेस्ट बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो बिल्कुल टाइम नहीं जाया करते हुए चलो देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कर्व टूल किसे कहते हैं, जो कि पेज नंबर 67 में मौजूद है। दूसरा जो टॉपिक होगा टेक्स्ट टूल, जो दोनों पेज मिला के पेज नंबर 67 और 68 में मौजूद है। पेज नंबर 68 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग इमेज, जो पेज नंबर 68 में मौजूद है। ओपनिंग इमेज पेज नंबर 69 में मौजूद है। और फिर एक एक करते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 67। तो सब लोग पेज नंबर 67 निकाल ले। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट पेज नंबर 67। सो स्टार्टिंग विद पेज नंबर 67, आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद कर्व टूल। बच्चों, कर्व टूल क्या है? कर्व टूल एक ऐसा टूल है जो आपको पेंसिल टूल के तरह ही फिनिशिंग देता है। मतलब ये पेंसिल टूल के तरह ही काम करता है, लेकिन इससे आप कर्व बना सकते हो, एंगल्स बना सकते हो। ओके, नाउ ये नॉर्मली एंगल बनाया जाता है माउस के मदद से बाय मूविंग द कर्सर लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। ठीक है, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में मूव करके हम कर्सर बना सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द कर्व टूल। सो कर्व टूल का जो मेन काम है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कर्व्ड लाइंस। और सिमिलरली लाइक एवरी अदर टूल, आप उसमें भी साइज बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल जो कर्व टूल को हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। एंड बच्चों, आपके स्क्रीन पे अभी एक देखो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है पहले से ही। दैट इज डन यूजिंग कर्व टूल। नाउ कर्व टूल आपके पेंट के स्क्रीन में यहाँ पे मौजूद रहता है। एक कर्व जैसा आइकॉन आप देख रहे हो, उसको सिलेक्ट करना है। एंड हियर आई हैव मेड अ ड्रॉइंग ऑफ अ लीफ, यानी मैंने एक पत्ते का ड्रॉइंग किया है यूजिंग कर्व टूल। तो सिमिलरली यू ऑल ऑल्सो कैन ट्राई टू मेक डिफरेंट अमेजिंग ड्रॉइंग्स विद द हेल्प ऑफ कर्व टूल। नाउ इन फोर्थ पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द सेकेंड हाफ, और इन द सेकेंड पैराग्राफ एक और टॉपिक जो मौजूद है विच इज कॉल्ड द टेक्स्ट टूल। जैसे नाम सुन के ही पता चलता है कि टेक्स्ट का मतलब है किसी टाइप का राइटिंग। तो टेक्स्ट का मेन यूज होता है कि ये हमें राइटिंग या टाइपिंग करने में मदद करता है। सो वी कैन डू एनी फॉर्म ऑफ टाइपिंग यूजिंग टेक्स्ट टूल। इनफैक्ट टेक्स्ट टूल का काम ही ये है कि ये हमें टेक्स्ट टाइप करने में मदद करता है। तो बच्चों, फिलहाल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कर्व टूल, अभी मैंने आपको बताया टेक्स्ट टूल के बारे में, जिसके मदद से आप कोई भी टाइपिंग कर सकते हो एमएस पेंट एप्लीकेशन। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग करने के लिए पहले हमें ये अल्फाबेट ए वाला जो आइकन है, ये है सिंबल ऑफ द टेक्स्ट टूल, इसको पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपके स्क्रीन पे ये प्लेस होल्डर आ जाएगा। ये प्लेस होल्डर क्यों चाहिए? ये प्लेस होल्डर में आप वो कोई भी टेक्स्ट जो टाइप करना चाहते हो ये आप उधर टाइप कर सकते हो। ये प्लेस होल्डर में क्लिक करने के बाद, आई रिपीट, प्लेस होल्डर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट एवं साइज चूज करना है। यू हैव टू चूज द फॉन्ट एज वेल एज द साइज ऑफ द टेक्स्ट जिसके मदद से आपको टाइप करना है। तो टाइपिंग करने के लिए आपको फॉन्ट भी जरूरत है, आपको साइज भी चुनना है। दोनों सिलेक्ट करने के बाद फाइनली
मैंने यहाँ पे स्कूल का जो नाम है उसको टाइप कर दिया. सो सिंपली आई हैव एडेड द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर. तो प्लेस होल्डर के अंदर मैंने स्कूल का जो टेक्स्ट है उसको डाल दिया. तो ऐसे आप टेक्स्ट टूल के मदद से आप टाइपिंग कर सकते हो. सो फिलहाल बच्चों पेज नंबर 67 में हम लोगों ने फिर सीखा अबाउट द कर्व टूल एंड द टेक्स्ट टूल. अब आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग पेज नंबर 68 पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग सीखेंगे सेविंग के बारे में. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 68 सेविंग. इमेज सेव करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हो उसको अगर आप सेव नहीं करेंगे तब क्या होगा. तब ये होगा कि अगर हम मान लीजिए पिक्चर सेव नहीं करेंगे तो उस पिक्चर को आप बाद में नहीं देख सकते, उसको आप यूज नहीं कर सकते. ओके सो देयरफॉर सेविंग द पिक्चर इज वेरी मच नीडेड. सेव अगर नहीं करेंगे तो ठीक से पिक्चर को आप सेव नहीं कर पाओगे, तो यूज नहीं कर पाओगे ठीक से. तो इसका मतलब ये है कि सेव करना बहुत ही जरूरी है अगर हमें पिक्चर को फिर से एक और बार देखना है और यूज करना है. और इसके लिए आपके सामने में मैंने दो तरीके दे के रखे हैं. एक आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, दो शॉर्टकट्स है इनफैक्ट, कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल शिफ्ट एस. सेव कमांड से आप पिक्चर को कंप्यूटर के हवाले कर सकते हो, यानी कि कंप्यूटर खुद से एक नाम आपको सजेस्ट करके सेव कर देगा फाइल को. और सेव एस कमांड में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सेव एस कमांड व्हाट डू वी डू दैट वी कैन सेव अ पर्टिकुलर पिक्चर विद द हेल्प ऑफ आवर नेम. तो हम अपना खुद का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इन द सेव एस कमांड. सो दिस आर द बेसिक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेव कमांड. अपार्ट फ्रॉम दैट हम और क्या कर सकते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग ओपनिंग एन इमेज. तो इमेज ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. इमेज ओपन करने के लिए आपको सिंपली ओपन कमांड पे जाना होगा. इन द ओपन कमांड वी कैन सिंपली ओपन अ पर्टिकुलर इमेज. तो इन पेज नंबर 69 यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द फाइल ओपन इन ऑर्डर टू ओपन अ पर्टिकुलर इमेज. तो ओपन ऑप्शन यहाँ पे रहता है जिसके मदद से आप कोई भी पिक्चर को ओपन कर सकते हो. द शॉर्टकट फॉर ओपन इज कंट्रोल ओ. सो सेव एंड ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके मदद से आप पिक्चर जो सेव है उसको सेव कर सकते हो एंड सेव पिक्चर को ओपन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर. हम लोग अभी पेज नंबर 70 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो चिल्ड्रन प्लीज ओपन पेज नंबर 70 फॉर द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. टूल यूज टू राइट योर नेम विद इन अ ड्रॉइंग. व्हाट इज दैट. इट इज द टेक्स्ट टूल. तो टेक्स्ट टूल जो है आइकॉन ए को आप लोग मार्क करें. नाउ टूल यूज टू ड्रॉ अ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड्स. नाउ प्लीज टिक ऑन द पॉलीगॉन टूल. जो नंबर बी ऑप्शन है उसको टिक किया जाए. एंड नंबर 3 टूल यूज टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल. फिर से आपका ऑप्शन होगा नंबर बी दैट इज द राउंडेड रेक्टेंगल वाला सिंबल पे क्लिक करें. तो टिक द करेक्ट आंसर में हर एक ऑप्शन का आंसर होगा नंबर बी. सो ऑल आर बी इज द करेक्ट. नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स. टेक्स्ट टूल इज यूज टू डिलीट अ ड्रॉइंग. इसका जवाब होगा फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. आप लोग ए और बी का आंसर राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया रखा है. नंबर 3
टूल यूज टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल, सॉरी यू कैनॉट टाइप अ टेक्स्ट इन पेंट प्रोग्राम, दैट इज द नेक्स्ट, सो इट विल बी फॉल्स. नंबर थ्री, पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ ट्राइंगल. पॉलीगॉन टूल का काम है टू ड्रॉ ट्राइंगल. द आंसर इज ट्रू. कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. द आंसर इज फॉल्स. सो प्लीज चेक योर ट्रू फॉल्स आंसर्स. फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स. याद रखिएगा आंसर्स के सीक्वेंस को. ना हम लोग आ गए हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन पेज नंबर 71, जहां पे लास्ट ग्रुप ऑफ आंसर्स मौजूद है. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल्स. यहां पे पहला जो टूल है नंबर वन, दिस इज द कर्व टूल. दूसरा जो है आपने पिलाली एमसीक्यू में देखा, द आंसर इज टेक्स्ट टूल. जो तीसरा यहां पे है, दैट इज द राउंडेड रेक्टेंगल टूल. प्लीज चेक द स्पेलिंग्स नाइसली चिल्ड्रन. पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, देख के आप लोग बिल्कुल सही तरीके से स्पेलिंग्स लिखिए. और जो फोर्थ वाला है, दैट इज पॉलीगॉन, POLYGON, पॉलीगॉन. नाउ वी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ नंबर डी एंड ई. सो व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीगॉन टूल. देखिए एरो से मार्क मैंने करके रखा है ऑलरेडी टूअर्ड्स द राइट हैंड साइड, दैट इट इज यूज टू मेक अ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड. पॉलीगॉन टूल आपको एक शेप बनाने में मदद करता है विथ अ नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स मतलब मोर देन थ्री एक्चुअली. विच टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन एविस्पेट. द आंसर इज टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन एविस्पेट. नंबर थ्री, नेम द टूल यूज टू ड्रॉ कर्व्स. आंसर होगा कर्व टूल. कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व्स इन एमएस पेंट. अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. एमएस पेंट, यश मेड अ फिगर. नाउ ही वांट्स टू ऐड हिज नेम एंड क्लास इन द फिगर. अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों कि कोई भी टेक्स्ट नेम और क्लास तो है टेक्स्ट, तो उसको अगर यश को ऐड करना है कौन सा टूल यूज करेंगे. यश इज गोइंग टू यूज द टेक्स्ट टूल. सो अंडरस्टूड चिल्ड्रेन. तो ऐसे हमने ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 फन विद एमएस पेंट का क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन आंसर्स को आप बुक में लिख लीजिए एंड सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर. और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में हाजिरी करवाया जाएगा. इट विल बी प्रेजेंट इन द ग्रुप. सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड एंड राइट ऑल द आंसर्स. तब तक के लिए मैं आपका कंप्यूटर टीचर देवदीप सर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा. एंड प्लीज कीप स्टडिंग द पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट यू हैव डन ऑलरेडी रिलेटेड टू दिस चैप्टर. एंड क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है. आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. और अगर कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन. होप यू हैव अ नाइस डे अहेड. गुड बाई.